इस वीडियो में बच्चों हम ये देखेंगे कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पे इनिशियली अनइक्वल चार्ज हो और हम उससे बैटरी कनेक्ट कर दें तो फाइनली उसकी प्लेट्स पे कितना कितना चार्ज कहाँ कहाँ होगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम कि क्या कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, हमने एक सिचुएशन ली है जिसमें ये कैपेसिटर की प्लेट्स पे इस प्लेट पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस प्लेट पे 40 माइक्रोकूलम चार्ज अलग अलग है, और हम इसको अब 5 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ेंगे। अभी नहीं जोड़ा है, तो जब तक हमने नहीं जोड़ी है बैटरी तब तक हम चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा हमें पता है, और उसको हम बना लेते हैं कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पे कितना चार्ज कहाँ कहाँ कौन से सरफेस पे आएगा। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हमें जो दोनों प्लेट्स का चार्ज है उसका सम करना है, तो सम होएगा 20 प्लस 40 60, फिर उसका हाफ हाफ करना है, तो हाफ करोगे तो हाफ करके बाहर वाले सर्फेसिस पे वो हाफ पार्ट दे देना है, तो 30 माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा और प्लस 30 माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो इस पे आ जाएगा अंदर वो आ जाएगा, आप देख सकते हो माइनस 10 माइक्रोकूलम, क्योंकि इसकी इस प्लेट का टोटल चार्ज प्लस 20 होना चाहिए, तो ये 30 माइनस 10 हो जाएगा 20, और जो ये वाली प्लेट है इसका टोटल चार्ज 40 है, तो इस पे 30 इधर आ चुका है, तो इस पे अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस 10, ठीक है। अब आप ये देखो कि हम भी अभी तक हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, तो जो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में है ना, डेल्टा वी, अभी डेल्टा वी सी कैपेसिटर के प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो जो बाउंडेड चार्ज है उसकी वजह से होगा, और बाउंडेड चार्ज है 10, तो वो होगा क्यू वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी, क्यू है 10 और सी जो है वो 6 है, ठीक है। तो डेल्टा वी सी हो जाएगा 5/3 वोल्ट्स, ठीक है बच्चों। अब आप देखो कि बैटरी का पोटेंशियल है 5 वोल्ट और कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल है, डिफरेंस है 5/3 वोल्ट्स, तो ऑब्वियसली लोअर पोटेंशियल है अभी कैपेसिटर का, तो बैटरी अभी कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई करेगी, ठीक है। अब बैटरी कब तक सप्लाई करेगी, बैटरी तब तक सप्लाई करेगी कैपेसिटर को चार्ज जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 वोल्ट ना हो जाए, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्ज होगा वो बाउंडेड बदलेगा, यानी इनर प्लेट्स, इनर जो सर्फेसिस हैं उनका चार्ज बदलेगा, आउटर सर्फेसिस का चार्ज नहीं बदलेगा। इसका एक रीज़न होता है कि जो बैटरी चार्ज देती है वो जितना एक प्लेट को दे रही है पॉजिटिव, उतना ही दूसरी प्लेट को नेगेटिव दे रही है। हम जानते हैं कि बैटरी कर क्या रही है कि एक प्लेट का चार्ज लेके दूसरी प्लेट को दे देती है, तो एक पे तो प्लस आ जाता है और एक पे आ जाता है माइनस, ठीक है। तो बैटरी सिर्फ चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आप सोचो कि अगर बैटरी एक प्लेट का चार्ज लेके दूसरी प्लेट को दे रही है तो दोनों प्लेट्स का जो चार्ज होगा किसी भी वक्त वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा पोलैरिटीज़ में, तो ऐसा तो सिर्फ बाउंडेड चार्ज में ही होता है जो अंदर इनर सर्फेसिस के चार्ज हैं। इसीलिए बैटरी के चार्ज सप्लाई करने से, ये कंसेप्ट याद रखना कि बैटरी के चार्ज सप्लाई करने से जो प्लेट्स का फ्री चार्ज है, बाहर वाला चार्ज है, वो अल्टर नहीं करता, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जो बाहर वाला चार्ज है वो अभी भी कितना रहेगा, प्लस 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम, पर अब जो चार्ज इनर सर्फेसिस पे आएगा वो आएगा Q in इज इक्वल टू सी वी, जो C है वो 6 है, और इसको मैं लिख देता हूँ सी वी पहले, तो Q इनर आ गया, C इज 6 एंड V इज 5, तो ये आ गया 30 माइक्रोकूलम अंदर। तो एक प्लेट पे तो प्लस में होएगा ये, क्योंकि बाउंडेड चार्ज है, और दूसरी प्लेट पे माइनस में होएगा ये,
-30 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, तो आप किसी भी एक प्लेट को ले लो, अगर आपको चार्ज सप्लाई निकालना है, जैसे इस प्लेट को लेते हैं हम, तो इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, इस प्लेट पे पहले था 20 माइक्रो कूलम, और इस प्लेट पे अब जो चार्ज है वो नया है 60 माइक्रो कूलम। तो क्यू सप्लाइड बाय द बैटरी कितना हुआ, जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया वो है हमारा 60 - 20 माइक्रो कूलम, यानी 40 माइक्रो कूलम। ठीक है, और जो वर्क डन बाय द बैटरी निकालना हो अगर, तो वो होता है चार्ज सप्लाइड यानी 40 इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इज 5, तो ये 200 माइक्रो जूल्स आ गया वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट था, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसमें याद ये रखना है हमें कि बैटरी के चार्ज सप्लाई करने से प्लेट्स का जो फ्री चार्ज होता है, आउटर सर्फेसिस का चार्ज होता है, दैट रिमेन्स अनऑल्टर्ड, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।